हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो यार अपन लोग जाने वाले हैं भाई साहब अंबिकापुर भी, क्योंकि पूना को जाना है यार भिलाई। तो वो बंदी जा रही है भिलाई, पता नहीं उसका बीएड वाला तो फाइनल ईयर का है, तो उसको भाई बहुत प्रोजेक्ट वगैरह बहुत कुछ लिखने को मिल रहा है, तो उसको जाना है भिलाई। और मैं जा रहा हूँ उसको अंबिकापुर छोड़ने, उसके बाद अंबिकापुर से वो ट्रेन या बस पकड़ के जाएगी वो भिलाई। तो देखते हैं क्या प्लान बनता है, मैं अभी चलूँगा अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा गाइस। तो अपने ब्लॉग में बने रहें और चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक वाइक करो। भाई साहब क्या कर रहे हो बेटे तुम लोग यार, पबजी वबजी खेलते हो तो भाई कमेंट करके अपना आईडी सेंड करो, खेलते हैं कभी पबजी साथ में, ठीक है। और बताता हूँ कि कल रात तक क्या ही सीन हुआ गलत सीन पबजी वाला। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग और निकलते हैं यार, अपना पैकिंग वैकिंग करते हैं। पैकिंग वैकिंग हो गया है तो हेलमेट वगैरह पहन के जाना पड़े ताकि आपको रोड का कुछ और दिखाऊंगा, और चलते हैं अपन लोग अंबिकापुर। तो देख सकते हैं गाइस, इसमें ये फालतू का सामान जा रहा है, ये है टेडी जो कि लड़कियों का छूटने वाला नहीं है, तो इसको ही बंदी भिलाई लेके जाने वाली है। तो यार अपना सामान वामान पूरा ले लाए हैं, अब भैया अपन लोग चलते हैं बोदा, और बोदा में थोड़ा सा इसका हवा हवा चेक कराना है, बिकॉज स्कूटी का पीछे वाला टायर भैया निपट चुका है, तो वो हवा निकल जाता है कुछ देर तक खड़े रहने पे, कुछ दिन तक खड़ा रहता है गाड़ी जैसे ही, तो हवा वगैरह निकल जाता है। तो भैया चलते हैं यार। तो फिलहाल अपन लोग हैं भैया बोदा में सिंधे टायर पंचर रिपेयरिंग के पास, अपना बाइक के यार नहीं स्कूटी का थोड़ा हवा चेक करा ले रहे हैं। ये बंदी जा रही है अंबिकापुर, फिर भी लाई जाएगी तो इसे खटारा स्कूटी में जाना पड़ रहा है, तो स्कूटी में पहली बार पटका चुके हैं अपन लोग। ट्रैवलर लग रहा हूँ भाई साहब, मेरे को फोटो जरूर DM कर दे मेरे इंस्टा पे। तो गाइज अपन लोग वतौली पहुंच गए हैं यार, और मैं स्कूटी पे आ रहा हूं, तो अगर मैं अपाची में आता हूं तो मे भी 10 मिनट लगता है, और यहां पूरा अपने को 25-30 मिनट लग गया है, वो भी सामान के साथ आ रहे हैं इसलिए। और वतौली में वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, तो चलते हैं यार अपना अंबिकापुर। और देख सकते हैं एकदम खाली खाली है आज वतौली, पता नहीं क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहें, और अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। तो यार इस वाले पेट्रोल टैंक में फर्स्ट टाइम पेट्रोल डला रहा हूँ, तो देखते हैं यहाँ पेट्रोल डला के। तो नीरज भैया बोलते हैं यहाँ पेट्रोल डलाएं थोड़ा ज़्यादा एवरेज देता है, बिकॉज जो पेट्रोल की सेटिंग रहती है यहाँ वाले की सेटिंग में भी थोड़ी सी कम होगी कि भैया ज़्यादा पेट्रोल मिले। तो जल्दी से डलाते हैं और निकलते हैं अपने अंबिकापुर के लिए। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो लाइक कर दें यार, पसंद आता है। अपन लोग वही पहुंच गए रघुनाथपुर, और अभी तक तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ अपने को, बट स्कूटी का एकदम छोटा चक्कर रहता है, तो जहाँ पे रोड नहीं बना है वहाँ पे अपने को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो रघुनाथपुर पहुंच गए हैं, इधर थोड़ा बहुत धूल उड़ रहा है, और आगे जाके देखते हैं कि क्या सीन होता है। मेरे को तो लग रहा है बहुत ज़्यादा धूल होगा, बिकॉज अभी बारिश नहीं आया है, काफ़ी धूप करा है,
तो चलिए चलते हैं। Searching for higher ground, can't see in front of me. My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Cause I can fly. यार अपने यहाँ लुचकी घाट वाले एरिया पे जो ब्रिज बन रहा है उसके वजह से यहाँ काफ़ी लंबा एरिया पे रोड नहीं बना है, बिकॉज़ यहाँ जब तक ये सीधा सीधा ब्रिज नहीं बन जाता लुचकी घाट से तब तक यहाँ वाला रोड नहीं बन पाएगा। तो जल्दी से यहाँ रोड बन जाए यार, वाकई अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इतना धूल रहा है आप, हेलमेट के अंदर तक धूल चल जा रहा है गाइस, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो सरकार को यार थोड़ा काम कराना चाहिए जल्दी, बाकी बारिश का समय है। तो देख सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा है भाई। ओ भाई साहब इतना क्या बोले तो भाई, समझ रहे हो ना। सो गाइस अपन लोग पहुंच चुके हैं घड़ी चौक, और यहाँ पे यार रक्षाबंधन का फुल तैयारी हो रखा है। यहाँ पे पूरा राखी के दुकान वकान लग गए हैं। तो यार जब रक्षाबंधन का टाइम जल्दी जल्दी जैसे ही पहुँचेगा वैसे यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपको फ्रूट्स के ठेले काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो आपको एकदम फ्रेश फ्रूट यहाँ मिल जाता है। और आगे अपने को फिर से ट्रैफिक जाम में लग रहा है लगता है, और चलते हैं आगे। See in front of me, my enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Cause I can fly, I can fly. जल्दी करते हैं स्कूटी को पार्क करते हैं इधर साइड पे, उतर रहे भाई। अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम, जल्दी से ऊपर रूम पे जाता हूं, उसके बाद आपको मिलता हूं गाइस। तो यार अपना शकल अकल देखने लायक नहीं रहा, और अपना आँख में तो भाई इतना धूल गया कि क्या ही बताऊँ गाइस। तो ये है लड्डू जो कि एकदम फ्री फायर खेलते रहता है, देख रहे कैसे सांप जिसे लपटाया है बेड में और फ्री फायर खेल रहा है। और ये है अदिति उसकी दीदी जो कि हमेशा बाल ही बनाती रहती है, जो कि अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। और मेरे को लग रहा था कि
और मेरे को लग रहा था कि ये अभी 9th स्टैंडर्ड में है, तो मैं और नीरज सर बोल रहे थे कि अपन लोग तो भाई जहाँ तक पता है कि 9th क्लास वालों को तो स्कूल ही नहीं लग रहा है, परंतु ये तो है 10th क्लास वाले जी को स्कूल लग रहा है। और अपना लड्डू है कौन से क्लास में यार, 6th क्लास क्या? तो लड्डू है 6th क्लास में, जो कि एकदम बिंदास फ्री फायर खेल रहा है। तो कमेंट करके अपना यूज़र आईडी जरूर सेंड कर दें, तो मैं उसको आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करा दूंगा। काफ़ी प्रो बंदा है, बहुत ज़्यादा फ्री फायर खेलता है, तो इसके साथ भी जरूर खेलें यार, अपना गेम इम्प्रूव करें, ठीक है? तो बहुत अच्छा हो गया है, तो देखते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है? और अपने फ़ोन का बैटरी लो हो गया है, तो कुछ देर चार्ज करता हूँ, उसके बाद हो सके तो मिलते हैं। तो गाइस मेरे को काफ़ी तगड़ा नींद आया, तो मैं सो गया था यार, और कल रात पूरे पबजी के चक्कर में रात भर जगा था ना, इसलिए नींद आया और मैं निपट गया था। तो अभी अभी कुछ देर पहले उठा हूँ। यार अपन लोग अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन है फिलहाल, और अभी अपन लोग D3 खोज रहे हैं कि D3 अपना रेलवे स्टेशन जो एंट्री है उधर ही फर्स्ट साइड था, बट अपन लोग काफ़ी ज़्यादा इधर दूर आ गए भैया, नाइट वॉक हो गया था। तो यार अपन लोग तब से खोज रहे थे D3, और D3 इधर है, काफ़ी दूर में है, तो मज़ा आ गया गाइस, चल के अपना हालत हो गया ख़राब। तो यार पूनम जा रही है भिलाई, तो अब इसको यहीं पे टाटा बाय बोलते हैं और निकल लेते हैं हम लोग। तो कितना टाइम हो गया, 10 बज गया है रात को, और अभी काफ़ी दूर जाना है, और अपना डीओ स्कूटी का अपर तो काम कर रहे हैं, डीपर काम नहीं कर रहा है, तो ख़राब हो गया है वो, और वो है मैडम का स्कूटी, तो मैडम ने अपना स्कूटी भाई रखते ही नहीं अच्छे से, तो अपन लोग चलते हैं यार, अकेले अकेले जाना पड़ेगा अपना, हालत ख़राब। यार रेलवे स्टेशन दीदी को छोड़ने, अब जाता हूँ घर, सो दैट इज द एंड ऑफ माय वीडियो। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।